हेलो फ्रेंड्स, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पालक पनीर। ये मैंने 1 kg पालक ली है, इसको मैंने धो के ब्रीक ब्रीक कटिंग कर ली है। अब हम इसको कुकर में डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 teaspoon नमक और 1/2 glass पानी। पानी ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि पालक में भी होता है। अब हम इसको गैस पे चढ़ा देंगे और 1 सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद हम जो विसल की जो स्टीम है उसको साथ के साथ निकाल देंगे ताकि हमारा जो पालक का कलर है वो ख़राब ना हो। पालक को एक बिसल आने के बाद मैंने इसको बीट कर लिया। देखिए इसका कलर बिल्कुल ठीक है, हरा रहा बिल्कुल। स्टीम मैंने साथ के साथ निकाल दी थी और साथ के साथ ही मैंने इसको बीट कर लिया। और उसके लिए हमें 3 medium size के प्याज जो मैंने ब्रीक काट लिए, टमाटर 5 medium size के ब्रीक कटिंग किए हुए, हरी मिर्च 2 ब्रीक कटिंग की हुई, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और पनीर मैंने लिया है 250 ग्राम। अब हम इसका तड़का शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में हमने घी डाल दिया, देसी घी। इसको गर्म होने पे हम इसमें डालेंगे 1 teaspoon जीरा, 2 teaspoon के बाद अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हमने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, अदरक और लहसुन इसमें डाल देंगे। अब हम इसको बीज छोड़ने तक भून लेंगे। मसाले ने घी छोड़ दिया है, अब हम इसमें डालेंगे। ये मैंने भुने चने लिए हैं 1 कटोरी। अब इसको मैंने ब्रीक पाउडर के रूप में बीट कर लिया है मिक्सी जार में। तो अब हम इसको डाल देंगे। इससे एक तो हमारी पालक का जो टेक्सचर है बहुत बढ़िया आएगा और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा पालक का। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे चने हैं जो भुने हुए हैं, इसलिए हमने इसको ज़्यादा नहीं भूनना। तो 2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। अब हम टमाटर को मैश होने तक पकाएंगे। टमाटर मैश हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1 teaspoon धनिया पाउडर, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, क्योंकि हमने इसमें जब पालक को हमने बॉईल किया था तब हमने 1/2 teaspoon इसमें डाला था, तो उसके अकॉर्डिंग आप नमक डालिए। लाल मिर्च पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है। काली मिर्च
1/4 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। मसाले ने घी छोड़ दिया है। अब हम इसमें अपनी पालक डाल देंगे जो हमने बीट करके रखी थी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और साथ ही हम डालेंगे इसमें 1 नींबू का रस। इसमें एक बॉयल आने देंगे। तो बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें पनीर के पीसेस डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चने की वजह से। ये चना डालने से एक तो जैसे होता है कि पालक का पानी कई बार अलग अलग नज़र आता है, तो वो नहीं होता, एकदम एक साथ से बनता है ये। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है चने और नींबू का रस डालने से। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम इसको एक बार 2 मिनट के लिए ढक देंगे। उसके बाद हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। अब हम इसको चेक करते हैं। इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसकी प्लेटिंग करेंगे। हमारी पालक की प्लेटिंग रेडी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।